हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों को क्वारी आ रही थी जेई मेन की रिगार्डिंग, कि भैया जेई मेन के अंदर जो मैथमेटिक्स के अंदर जो है मोस्ट एक्सेप्टेड चैप्टर्स है, से कौन से हो सकते हैं जिससे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, जो कि पिछले सालों में होते हुए आता आ रहा है। सो इस बेसिस पे मैंने बहुत सारी रिसर्च करके जो भी पेपर्स होते हैं उन सबको देखते हुए ये जो चैप्टर्स उठाए हैं। तो यह जो है छोटा सा वीडियो होने वाला है, 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है, बहुत ही काम का वीडियो हो सकता है आपके लिए, तो एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं जेई मेन के जो भी चैप्टर्स हैं उनका क्या-क्या वेटेज है आपके एग्जाम के अंदर, जो भी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं उनका जेई मेन के अंदर क्या वेटेज है। ओके, सो जो है मैंने इसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जैसे कि प्रॉपर्टी प्रायोरिटी फर्स्ट के अंदर जो हम मान सकते हैं उसके अंदर हमारा 99.99 या फिर 100% मान लो कि उसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसे कि उसके दो मतलब उस चैप्टर से दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वैसे भी प्रायोरिटी सेकंड है, उसके अंदर जो है मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक चैप्टर्स के अंदर। और जो है प्रायोरिटी जो थर्ड है उसके अंदर यह होता है कि जो है क्वेश्चन आ भी सकता है और उसके आने के बहुत कम चांसेस है या फिर बहुत कम क्वेश्चन आए हो उस चैप्टर से। सो आज उसके बारे में अपन कंप्लीट में चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जितने भी है मैथमेटिक्स का ये वीडियो है तो फिजिक्स के और जो है केमिस्ट्री के जो भी है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्या कौन कौन से आते हैं। तो इसके बारे में आज अपन चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर्स है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यार बहुत ही नॉर्मल चैप्टर्स है और जो है इससे क्वेश्चन आता ही आता है और 2022 में भी आने वाला है, आप ये मान के चल सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आपको जो है इसकी प्रैक्टिस किसकी जो है प्रैक्टिस की जरूरत है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, इसके अंदर यह टफ नहीं होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, ये थोड़ी सी बस ट्रिक की क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक की क्वेश्चन आते हैं, बस टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। ओके, और यह बाइनोमियल जो भी है आप इस थ्योरी को जरूर पढ़े। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है थोड़े से लंबे होते हैं, लंबा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपका गलत हो रहा है, आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आपका इसके अंदर यह क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो ये मान कि आपकी अच्छी परसेंटाइल नहीं हो बनने वाली है। यार ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये जो मैंने आपको जो इतने से चैप्टर बताए इसके अंदर आपके जो है मिनिमम जो एक्सेप्टेड जो मैं क्वेश्चन मान रहा हूं वो एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले हैं। तो आप इसका बिल्कुल जरूर से ध्यान रखिएगा, मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चन इस जो है 5 जो चैप्टर्स है इसके अंदर से। ओके, यानी कि आप मान सकते हो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। और ये टॉप के जो चैप्टर्स है ये सिक्वेंस एंड सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आप इसको लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, बायनोमियल थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी मोस्ट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स है तो ये क्वेश्चन आता ही आता है और ट्रिक की क्वेश्चन होते हैं, आप अंगुलियों से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, वैसे भी आपको वहां पे पेन पेपर तो मिलता ही है। ओके, अब हमारे पास जो है वो है प्रायोरिटी सेकंड जो क्वेश्चन है। ओके, जो ये ऊपर जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो फुल प्रायोरिटी है कि एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और इनमें से भी आएगा जो नीचे स्टार के नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। यार प्रोबेबिलिटी तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस की जरूरत है, सिंपल होता है। ओके, एंड पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन इसके अंदर आपको जस्ट जो भी है आप इसको खूब प्रैक्टिस करें, मैथमेटिकल रीजनिंग आप आसानी से कर लेंगे। ओके, देन जो है थ्री डायमेंशनल वाला भी यार आता तो वैसे बहुत कम है, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा है गाइस, बहुत ही ज्यादा लंबा, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत जटिल है। अगर अगर आपने एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आपके पास 1 महीना बचा है, आपने अगर ऑलमोस्ट क्लियर कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर घुसे, वरना तो जस्ट इसका पार पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इसका अगर क्रेश कोर्स भी अगर लेके चलूँ तो एटलीस्ट मेरे को जो है 1.5 दिन तो लग ही जाएगा कम से कम क्रेश कोर्स को कम्प्लीट करने में, इतने बड़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वेक्टर अलजेब्रा तो आपको सिंपली आते ही होंगे, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा जटिल क्वेश्चन होते नहीं है, और ये जस्ट इलिप्स आप मान सकते हो, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन इस बार तो जो है आई थिंक माइनस मार्किंग भी होने वाली है, तो भी जो क्वेश्चन होते थे बी सेक्शन। ओके, सो आप उसका भी फुल्ली ध्यान रखें यार। फंक्शंस में से क्वेश्चन आते हैं, फंक्शंस आई थिंक आपका फर्स्ट चैप्टर ही होना चाहिए। ओके, फंक्शंस स्पेशली अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपका जो है वेक्टर अलजेब्रा और जो थ्री डायमेंशनल
नंबर्स है ये तो आपका ऑलरेडी एनसीईआरटी वगैरह क्लियर हो चुका होगा। ओके, स्टेटिक्स पर भी आप फोकस कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ये इनमें से कोई टॉपिक हो ही ना। आई थिंक सारे के सारे टॉपिक है अवेलेबल इस साल भी। ओके, जो 10 प्रायोरिटी सेकंड भी सिंपल है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, किसी भी हाल में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इनमें से। सो आप जो है इनको खूब प्रिपेयर करके रखें, स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर थ्री डायमेंशनल नंबर है या आपके जो ट्वेल्थ के अंदर भी होंगे, जो आप बोर्ड का जो एग्जाम देते हैं ट्वेल्थ वाले बच्चे, सो आप उस पर भी फोकस करें। अगर आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर है कॉम्प्लेक्स नंबर, यार बहुत ही लंबा, मतलब बहुत ही लंबा चैप्टर्स होता है ये मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आसान है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, पांचवी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। प्रोबेबिलिटी भी बहुत लंबा चैप्टर्स होता है, आई थिंक जो है इसको करवाने में कम से कम 1.5 महीने लगते हैं इस प्रोबेबिलिटी को करवाने में ट्वेल्थ में टीचर्स को, तो ये भी बहुत लंबा चैप्टर्स है, लेकिन ये स्कोरिंग है, आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छा। ओके, एंड एरिया कर्व्स, ये तो सिंपल है, आप सातवीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसमें तो क्या प्रॉब्लम है। फंक्शंस भी बहुत सिंपल है, छोटा सा चैप्टर्स होता है और आपको स्कोर करा के चला जाता है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इससे। ओके, देन हम चलते हैं जो हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, यानी कि थर्ड प्रायोरिटी। ओके, सो यार हमारा जो पहला जो प्रायोरिटी थर्ड में जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा लिमिट। ओके, सो यार आपको पता होगा लिमिट से तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, एंड आपको छोटा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा लिमिट से। ओके, सो इसका जो है आपको 4 मार्क्स जो है कंफर्म होना चाहिए, 4x4। ओके, एंड पूरे में से पूरा आना चाहिए वैसे ये, तो ये नंबर ना खो जाए कहीं, तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, लिमिट्स के अंदर 4x4 आपके आने ही चाहिए। ओके, जो ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन या तो बहुत कम आते हैं या फिर ये बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, या फिर इनके इनमें बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम, मतलब जैसे आपके जेई मेन के अगर मान लो अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से बाई चांस एक क्वेश्चन आई या फिर क्वेश्चन आई ही ना, ठीक है, तो वो कंडीशन बता रहा हूँ ये जो है। ओके, कंटिन्यूटी एंड जो भी डिफरेंसिबिलिटी है इससे भी क्वेश्चन आता है, सेट एंड रिलेशन। ओके, आई थिंक ये आपका दूसरा चैप्टर्स होता है ट्वेल्थ बोर्ड वालों के लिए, तो यार ये सेट एंड रिलेशन का भी आप ध्यान रखें, इससे भी क्वेश्चन आता है, वो जो ये एक्स है या वाई है तो उसका जो रिलेशन बताना होता है आपको। ओके, सो ये आपको जो आगे भी इंजीनियरिंग में भी काम आने वाला है, लेकिन हाँ आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि इससे आप जो है कन्फर्म क्वेश्चन मान सकते हो सेट एंड रिलेशन से। ओके, सो जो है नोवा जो पॉइंट है इसे आप 4x4 मान के चल सकते हो। ओके, इसे कंफर्म मान लो तुम लोग, ठीक है, कंफर्म सेट एंड रिलेशन से तो आना ही आना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको जस्ट फुल्ली क्लियर कर लेना गाइस, प्रैक्टिस खूब करो इनकी, ठीक है, अब जो है तपा दो अपने आप को और खूब प्रैक्टिस करो। ये मतलब वो चैप्टर्स है या तो ये बहुत सिंपल है या फिर इनसे क्वेश्चन आते नहीं है। डिफ्रेंशिएशन आप सभी को पता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो भी हमारा जो हम देखते हैं कि कौन सा एंगल है, कहाँ पे गया कहाँ पे नहीं गया, तो इसके चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, ज्यादा जटिल होता नहीं है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है न्यूमेरिकल मेथड टाइप। ओके, वो तो सारा का सारा सिंपल है, इसके अंदर मैथमेटिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बच्चे बहुत ही ज्यादा स्कोर करते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को वो आती है केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में बच्चे स्कोर कम करते हैं जिसके कारण परसेंटाइल गिर जाती है, और फिजिक्स में भी बच्चों का ठीक ठाक स्कोर होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों के आते हैं मैथमेटिक्स में, और जो बच्चे सबसे ज्यादा जो गिरते हैं वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो दोनों का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो मोस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, और आप इसको जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे बताइएगा कि किसी का IIT ड्रीम IIT खड़गपुर है, एंड IIM IITN एंड MyJEE एडवांस रैंक इज 748, ठीक है, 748। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, इन OBC कैटेगरी एंड ऑल इंडिया कैटेगरी 5600। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।